नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम जिस मैच के बारे में जानकारी दे रहे हैं, फोर्थ T20 मैच है वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 3 अगस्त को मैच होगा, 8:30 पर मैच स्टार्ट हो जाएगा और 8 बजे टॉस होगा। मैच हमारा गोहाना के स्टेडियम में हो रहा है। GL जीतने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पिच रिपोर्ट, टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस, पॉसिबल 11 प्लेयर, रिसेंट रिकॉर्ड। पिच रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गोहाना की पिच जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। बॉलिंग को ज़्यादा हेल्प करती है, तो उसी के अनुसार आप टीम बनाएं। पॉसिबल 11 आप चेक कर सकते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडिया की। बाकी की टीम टॉस के बाद अनाउंस होती है, अगर उसमें कोई चेंज होगा तो आप उसमें कर सकते हो। किसी भी मैच को जीतने के लिए कुछ की प्लेयर होते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रजवान, शाहिन अफरीदी, क्रिस गेल, पोलार्ड, वॉल्स, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि 100 किसी भी मैच को चेंज कर सकते हैं। तो आपकी हर GL टीम में इनका होना आवश्यक है, तभी आप GL में एक अच्छा रैंक ले सकते हो। आपकी हेल्प के लिए कुछ कॉम्बिनेशन हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। इनको आपने रोटेशन करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाना है, जिससे कि GL में आपका एक अच्छा रैंक आ सके। कैप्टन में मैं आपको चॉइस बता देता हूँ। मैक्सिमम टीम के जो कैप्टन होंगे, बाबर आजम होंगे, मोहम्मद रजवान होंगे, हैदर अली होंगे, रसल्स होंगे, इनको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन में रोटेशन कर सकते हो। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जिससे कि GL में आपका अच्छा रैंक आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।